हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री विषय हिंदी कक्षा चौथी के अंतर्गत बाल पाठ सच्चा बालक के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, हम देखेंगे पाठ्य सामग्री सच्चा बालक। एक दिन गुरुजी ने कक्षा के बच्चों को गणित का एक प्रश्न घर से हल करके लाने को कहा। अगले दिन जब बच्चे शाला में पहुंचा तो सबसे अपना अपना गणित का हल किया गया हुआ प्रश्न गुरुजी को दिखाया गया, परंतु किसी का भी हल ठीक नहीं निकला। जब सब बच्चे अपनी अपनी कापी दिखा चुके थे तब गोपाल ने अपनी कापी दिखाई। प्रश्न का उत्तर ठीक था। गुरुजी प्रसन्न हो गए और गोपाल की प्रशंसा करने लगे। अपनी प्रशंसा सुनकर वह बालक फूट फूट कर रोने लगा। वह सिसकियां भरते हुए कहने लगा, गुरुजी आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, किंतु यह प्रश्न मैंने अपने आप हल नहीं किया, यह तो एक मित्र ने मुझे हल करके दिया है। मुझे अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर दुख हो रहा है। गुरुजी ने गोपाल की सच्चाई की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा एक दिन तुम अवश्य अपना और अपने देश का नाम उज्ज्वल करोगे। बड़ा होकर वह बालक गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देश को स्वतंत्र कराने में गोखले जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसी के अंतर्गत देखेंगे अभ्यास 6, जिसमें हम प्रश्न है सच्चा बालक। कहानी में आए पुनरुक्ति वाले शब्द को छांटकर लिख। कहानी हमने जो पढ़ा अभी, जिसमें अपना अपना अपनी अपनी फूट फूट ये जो है पुनरुक्ति वाले शब्द आए हुए हैं। इसके बाद बा वाला प्रश्न है सच्चा बालक कहानी में आए संज्ञा शब्द को छांटकर लिखिए। तो संज्ञा शब्द है गोपाल, गुरुजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये संज्ञा शब्द हैं। इसके बाद सब प्रश्न है सच्चा बालक कहानी में आए सर्वनाम शब्द को छांटकर लिखिए। कोई 4, तो आप, उसका, यह है, अपनी, ये संज्ञा शब्द हैं। इसके बाद दा सच्चा बालक कहानी में आए कोई 4 विराम चिन्ह छांट कर लिखे। उदाहरण योजक चिन्ह इस प्रकार से, पूर्ण विराम चिन्ह देखिए आप इस प्रकार, विस्मय बोधक इस प्रकार का चिन्ह, अल्प विराम इस प्रकार का, उदाहरण इस प्रकार का, इस प्रकार हम छांट करके लिख देंगे। ये है उपयुक्त कहानी में से विशेषण शब्द छांट कर लिखे कोई 4, फूट फूट कर, बहुत, अवश्य और अपना, इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। फिर मूल्यांकन इसमें 5 है, फटाके फोड़ते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो फटाके खुले मैदान में ही जलाना चाहिए, फटाके जलाते समय सूती कपड़े ही पहनने चाहिए, फटाके में आग दूर से ही लगाना चाहिए। इस प्रकार की सावधानी हमको फटाके फोड़ते समय रखना चाहिए। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 2, दीपावली से पहले आपके घर में क्या क्या काम होते हैं। तो घर की साफ सफाई होती है और बहुत सारे काम होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे संज्ञा की परिभाषा लिखिए। किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कैसे, इस प्रकार से हम संज्ञा की परिभाषा लिख देंगे। प्रश्न 3 है, निम्न चिन्हों के नाम लिखिए। चिन्ह दिया हुआ है पूर्ण विराम चिन्ह, ब अल्प विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, इस प्रकार से हम चिन्हों के नाम लिख देंगे। तो प्रश्न 4 है, आप अपने माता पिता की सेवा किस प्रकार करते हैं। तो माता पिता की सेवा हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। माता पिता की हर इच्छा पूर्ति करना चाहिए, हमें माता पिता की उनकी इच्छा स्वीकार करना चाहिए। प्रश्न 5 है, फूट फूट कर रोना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। फूट फूट कर रोना यानी बहुत अधिक रोना, मोहन परिचय फूट फूट कर हो जाए, इस प्रकार से हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे। इसके बाद है प्रश्न 6, प्रशंसा शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो प्रशंसा का मतलब होता है बड़ाई करना, मोहन के अच्छे कार्यों की बहुत प्रशंसा होती है, इस प्रकार से हम सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। बच्चों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया। इसी तरह और आने वाले पाठों को हल करने के लिए वीडियो बने रहें। धन्यवाद।